हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, इस बात से तो आप सब अग्री करते होंगे कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने हर एक सेक्टर में काफी रैपिड डेवलपमेंट की है। इसी के चलते वो दिन भी दूर नहीं जब इंडिया का नाम जल्दी डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट से निकलकर डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में भी आ जाएगा। वैसे तो इंडिया का हर एक सेक्टर काफी रैपिड डेवलपमेंट के रास्ते पर है, लेकिन जो सेक्टर सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा है वो है डिफेंस सेक्टर। इसी के चलते हाल ही में एक और खबर आ रही है जो कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। इसकी डिटेल में बात करें तो इंडिया की मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक बार फिर से आर्म्स, वेपन्स, मिलिट्री प्लेन्स और इक्विपमेंट बनाने वाली टॉप 100 कंपनीज में अपना नाम रजिस्टर कर लिया है। एक फ्रेश रिपोर्ट जिसका नाम टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज 2021 है, जो कि एक स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रिपेयर की है। उसके अकॉर्डिंग HAL और BEL ने 43rd और 69th पोजीशन से इम्प्रूव करके 2021 की लिस्ट में 42nd और 63rd पोजीशन गेन कर ली है। इस पूरी रिपोर्ट की डिटेल्स मंडे यानी 5 दिसंबर को रिलीज की गई थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक की आर्म सेल्स पिछले साल के अकॉर्डिंग 6.7% और 20% तक इंक्रीज हो गई है। इसके अलावा रिपोर्ट ने ये भी क्लेम किया है कि दोनों ही कंपनीज ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रीसेंट ईयर्स में प्लेस किए गए मेजर ऑर्डर से काफी बेनिफिट गेन किया है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो कि 2020 में टॉप 100 की लिस्ट में अपीयर हुई थी, उस कंपनीज को अक्टूबर 2021 में 7 स्मॉलर कंपनीज में रिकंस्ट्रक्ट होने की वजह से इस बार लिस्ट से ड्रॉप आउट कर दिया है। अगर हम सेल्स की बात करें तो सिप्री रिपोर्ट ने 100 लार्जेस्ट कंपनीज ग्लोबली की आर्म्स एंड मिलिट्री सर्विसेज की ओवरऑल सेल्स का एस्टिमेट देते हुए बताया कि कंपनी ने 2021 में $592 बिलियन की सेल्स की है। इस अमाउंट में पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल 1.9% का गेन देखा गया है। सिप्री की रिलीज रिपोर्ट में US ने टॉप किया है और चाइना सक्सेसफुली दूसरे साल लगातार सेकंड पोजीशन पर आया है। रिपोर्ट ने ये भी क्लेम किया कि 8 चाइनीज कंपनीज इसकी कंबाइंड आर्म सेल्स $109 बिलियन तक हुई है। ये अमाउंट लास्ट ईयर के मुकाबले 6.3% से ज्यादा था। दोस्तों, इस बारे में आपकी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।